So good afternoon, Cuttack. Good afternoon, Sunshine Cricket Town. There is heavy rainfall in the yesterday. I think it's by 1 or 2 hours heavy rainfall in the yesterday night. So the outfield is looking very slow, which is very difficult for the batsman to score as much as possible. But looking at this particular piece, it's semi-dry. The grass is looking not the particular green, it's a semi-green grass. So lots of grass over there, 70% to 80% cover on this particular grass. So how do you predict a particular this piece? If you see, this is eco-friendly for the bowler. And Kishore, how do you predict about this particular piece on the second day? Pavitr bhai, still it is semi grass, but it's very hard also. हालांकि ये बीच का हिस्सा है, थोड़ा अगर हम बॉलिंग जोन पे आते हैं यहाँ पर लगभग गेंदबाजी करते हैं, तो यू कैन सी अभी भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, यानी कि यहाँ पर बैटिंग करना आसान लग रहा है ज़रूर, लेकिन पिछले तीन मुकाबले में जो यहाँ का स्कोर है वो लगभग 100 के आसपास, सिर्फ एक मैच पिछला मैच था जहाँ स्कोर 100 के पार गया, और पिछले तीन मैचेस में जो भी यहाँ पर टॉस जीता है उन्होंने निर्णय लिया था गेंदबाजी, बट इस मैच का जो टॉस हुआ था कुछ देर पहले, यहाँ पर टॉस जीत के बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, तो ये थोड़ा सा भी समझ के बाहर है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो पिछले तीन मैचेस में यहाँ नहीं हुआ है वो शायद इस मैच में देखने को मिले, यानी कि शायद जो स्कोर है वो इजीली 100 के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि बारिश रुकी हुई है कल रात से और ऑलरेडी एक मैच हो चुका है, डबल टाइम ये रोल हो चुका है, तो शायद यहाँ पर सिचुएशन बदल जाए आने वाले समय में और अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है. Absolutely, it's a piece of 50-50%. It's a piece which is helpful for the bowlers as well as the batter. And I think Kishore, this piece is slightly behaving friendly for the pace bowler because of this particular area. It's called the Golden Spot area. And if the ball pitches in this particular area, how the ball is behaving according to you? पेसर्स के हिसाब से देखा जाए तो पवित्र भाई आपने सही कहा, हेल्पफुल ज़रूर है पेसर्स के लिए. हमने पहले दिन देखा था, यानी शनिवार वाले दिन ओपनिंग डे में स्पिनर्स के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन पिछले मुकाबले में बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर हुआ था, 10 में से 9 विकेट जो मिली थी वो स्पिनर्स ने दिलाई थी, तो यहाँ पर मैच हर दिन कुछ अपना रूप बदलता हुआ, हर एक नया दिन एक नई पिच के साथ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर. Yeah, this contest will be exciting. This contest will an electrifying match. Stay tuned, Cricket with Pavitra for the exclusive live. Thank you very much.